फिल्मी न्यूज का 27 एपिसोड शुरू करते हैं। सबसे पहले शाहरुख खान की नेक्स्ट फिल्म जो सुहाना खान के साथ होने वाली है, उस फिल्म का टाइटल रखा गया है किंग, डायरेक्टेड बाय सुजय घोष। शूटिंग जनवरी 2024 में शुरू हो जाएगी और ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है और डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म के एक्शन को सुपरवाइज करेंगे। उसके बाद कांतारा चैप्टर 1 का फर्स्ट लुक टीजर रिलीज हो गया है और ये फिल्म एक प्रीक्वल होने वाली है कांतारा फिल्म की और ये फिल्म सेट होगी 4th century में, जब कदम्बा डायनेस्टी रूल कर रहे थे कर्नाटका में। और इस टाइम पीरियड में हमें पंजुली दैव के ओरिजिन्स हमको देखने मिलेंगे कि कैसे पंजुली दैव बने गुलिगा के साथ, और हम ऋषभ शेट्टी को पंजुली दैव के रूप में देख सकते हैं एक हाथ में त्रिशूल और एक और वेपन के साथ। फिल्म 2024 में रिलीज होने वाली है। उसके बाद सलमान खान एंड डायरेक्टर विष्णुवर्धन की नेक्स्ट फिल्म का टाइटल रखा गया है द बुल, और इस फिल्म में सलमान खान एक पैरामिलिट्री ऑफिसर का रोल करने वाले है और ये फिल्म एक मिशन बेस्ड एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है और इस फिल्म को करण जौहर प्रोड्यूस करने वाले है। उसके बाद रणबीर कपूर बहुत ही ज्यादा इन डिमांड में है तमिल, तेलुगु एंड कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्रीज में, और उनको कई सारे ऑफर्स मिल रहे हैं। ये रही वो लिस्ट। एक तमिल डायरेक्टर ने रणबीर को अप्रोच किया है अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए और ये डायरेक्टर गैंगस्टर फिल्म्स बनाने के लिए जाना जाता है, लेकिन वो डायरेक्टर इस फिल्म को सिर्फ प्रोड्यूस करना चाहता है हिंदी में और रणबीर को आइडिया पसंद आया है, लेकिन रणबीर उस डायरेक्टर के साथ तभी ही काम करना चाहता है जब वो खुद इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। अभी ये डायरेक्टर लोकेश कनगराज या फिर कार्तिक सुब्बराज हो सकता है। नेक्स्ट एक और तमिल डायरेक्टर जिसने अभी अभी एक ब्लॉकबस्टर दी है एक सुपरस्टार के साथ, वो भी एक आइडिया के ऊपर काम कर रहे हैं रणबीर कपूर को दिमाग में रख के, और ये एक 2-hero फिल्म होने वाली है जिसमें एक एक्टर नॉर्थ का होगा और एक साउथ का, और इसकी स्क्रिप्ट के ऊपर काम शुरू हो गया है। अभी ये डायरेक्टर नेल्सन हो सकता है। नेक्स्ट एक और तमिल डायरेक्टर जिसने कल्ट लव स्टोरी बनाई थी हिंदी में इन द 2000s, वो भी विश कर रहे हैं एक मैच्योर लव स्टोरी बनाने की रणबीर कपूर के साथ इन टुडेज टाइम्स। अभी ये डायरेक्टर गौतम मेनन हो सकता है या फिर मणि रत्नम। नेक्स्ट एक बड़ा प्रोड्यूसर / प्रोडक्शन हाउस फ्रॉम द तेलुगु इंडस्ट्री जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन फिल्म्स बना रहे हैं एक पैन इंडिया स्टार के साथ, वो लोग भी रणबीर के साथ डिस्कस किए हैं मल्टीपल स्क्रिप्ट्स के लिए, और इस प्रोड्यूसर ने सारे टॉप डायरेक्टर्स को साइन किया है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से और रणबीर को बोला है कि वो किसी भी डायरेक्टर के साथ काम कर सकता है इन सारे ऑप्शंस में से। अभी ये प्रोड्यूसर मैत्री मूवी मेकर्स, दिलराजू, वैजयंती मूवीज या फिर गीता आर्ट्स हो सकता है। नेक्स्ट एक कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री से सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस जिसने अभी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर दी है, वो अभी रणबीर के साथ काम करना चाहते हैं एक स्पेशल स्क्रिप्ट के ऊपर। ये तो होम्बले फिल्म्स है, ये तो कन्फर्म्ड ही है। नेक्स्ट एटली भी रणबीर के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन करंटली वो अभी एक दूसरी फिल्म के ऊपर काम कर रहे हैं एक टॉप एक्टर के लिए फ्रॉम द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। एटली लगता है ऋतिक रोशन के लिए एक फिल्म लिख रहे हैं। उसके बाद कार्तिक आर्यन की नेक्स्ट फिल्म होने वाली है एक एपिक वॉर ड्रामा मूवी बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स ऑफ द इंडियन आर्मी, और इस फिल्म को संदीप मोदी डायरेक्ट करने वाले हैं और ये फिल्म को करण जौहर और एकता कपूर प्रोड्यूस करने वाले हैं और फिल्म 15 अगस्त 2025 में रिलीज होने वाली है। उसके बाद कीर्ति सुरेश एंड राधिका आप्टे लीड रोल करने वाले है YRF की नई रिवेंज थ्रिलर सीरीज को, जिसका टाइटल रखा गया है आपका, डायरेक्टेड बाय डेब्यूटेंट राइटर एंड डायरेक्टर धर्मराज शेट्टी, और इसकी शूटिंग शुरू हो गई है। उसके बाद रणबीर कपूर एंड डायरेक्टर सत्यप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल को ए रेटिंग मिली है सेंसर बोर्ड से, और फिल्म का रन टाइम है 3 hours 21 minutes and 23 seconds और इसका ट्रेलर रिलीज हो गया है। उसके बाद 2018 मूवी के डायरेक्टर जूड एंथनी जोसेफ एक पीरियड इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर फिल्म बनाने वाले हैं, एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड होने वाली है ये, जो कि एक मिसिंग शिप एमवी कैराली पे बेस्ड होने वाली है जो कि 1979 में डिसअपियर हो गई थी, और इस शिप में 49 क्रू मेंबर्स थे और 20,000 टन आयरन ओर था जो कि मार्गोवा इंडिया से रॉकस्टॉक जर्मनी जा रहा था वियर डिजबूती। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाई और इसकी शूटिंग लास्ट क्वार्टर ऑफ 2024 में शुरू हो जाएगी। उसके बाद राजवी शेट्टी ज्वाइन करते हैं ममूती की नेक्स्ट फिल्म जिसका टाइटल है टर्बो, और इसका फर्स्ट लुक भी रिलीज हो गया है। उसके बाद नाग चैतन्य की नेक्स्ट फिल्म का टाइटल रखा गया है नंदेल, अपोजिट साई पल्लवी, डायरेक्टेड बाय चंदू मुड़ेती। उसके बाद नानी एंड मृणाल ठाकुर की नेक्स्ट फिल्म हाई नाना का ट्रेलर रिलीज हो गया है और ये फिल्म 7 दिसंबर को रिलीज होने वाली है।
उसके बाद वीरदास ने इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीत लिया है अपने नेटफ्लिक्स कॉमेडी स्पेशल वीरदास लैंडिंग के लिए। तो आपको ये अपडेट्स कैसे लगे हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और लोगों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और यहाँ पे आप और वीडियोस भी देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।